दोस्तों आज पूरी दुनिया में लगातार तेजी से विकास चल रहा है। विकास के नाम पर पुरानी चीजों को तोड़ा जाता है और नई चीजों का निर्माण किया जाता है। अक्सर जब नए निर्माण किए जाते हैं तो घर या इमारतों को तोड़ दिया जाता है। इसके लिए उन घर के मालिकों को उन्हें अपने प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि उन पर बड़े बड़े बिल्डर्स या सरकार का दबाव होता है, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी अपना घर बेचना पड़ता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे भी मकान मालिक होते हैं जो कि किसी भी कीमत पर अपना मकान बेचने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे उन पर बिल्डर्स या सरकार का कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और चलिए देखते हैं दुनिया के 5 सबसे ऐसे ही जिद्दी मकान मालिक। ऑस्टिन स्प्रिंग्स। ऑस्टिन अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसे कई लोगों ने उसे पैसे देकर उसके घर खरीदने की कोशिश की, जिसके लिए लोग उसे करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार थे। लेकिन हर बार ऑस्टिन अपने घर को बेचने से साफ साफ मना कर देता था, क्योंकि वह और भी ज्यादा पैसे चाहता था। लेकिन बिल्डर्स ने उसके घर के पास की जमीन को खरीद कर उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसके कारण ऑस्टिन ने साल 2011 में अपने घर को $7,50,000 में बेच दिया। मैकफील्ड। यूएस के सियाटल में एक मॉल है जिसके बीच के हिस्से में एक खाली जगह है। उस खाली जगह में एक छोटा सा घर है। जब इस जगह पर मॉल बनाया जा रहा था तब इस घर के मालिक को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन मालिक ने इस घर को बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बिल्डर्स ने इस घर को छोड़कर बाकी जगह पर एक मॉल खड़ा कर दिया। बाद में उसकी दोस्ती कॉन्ट्रैक्टर से हो गई और जब वह मर गया तो उसका घर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, क्योंकि यही उस घर के मालिक की इच्छा थी। नेल हाउस। पहली नजर में इस घर को देखने पर ऐसा लगता है मानो इस घर के चारों ओर कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो, लेकिन ये घर एक ऐसे जिद्दी व्यक्ति का है जो अपने घर को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें कहीं और जाने के लिए काफी कम पैसे मिल रहे थे। इसके लिए उसे 2 सालों तक लोकल गवर्नमेंट से केस भी लड़ना पड़ा और साथ ही डेवलपर्स ने उसके घर के पानी और बिजली को बंद कर दिया, जिसके कारण वे नदी से पानी लाने पर मजबूर हो गए और लाइट्स के लिए कैंडल को काम में लेना पड़ा। लियो बोगन। चाइना में एक सड़क को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, क्योंकि जहां से सड़क को गुजरना था वहां पर एक घर बना हुआ था। यह इमारत सड़क के बीच इसीलिए बना हुआ था क्योंकि इस घर के मालिक को इस घर को बेचने की इच्छा नहीं थी, जिसके कारण उसे गवर्नमेंट से केस भी लड़ना पड़ा। नेल हाउस। दोस्तों जब इस घर के मालिक ने रोड बनाने के लिए अपने घर को तोड़ने से इनकार कर दिया तब रोड बनाने वाले लोगों ने इसके चारों ओर 4-लेयर पुल बना दिया ताकि सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।